और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। दिल्ली से अजय मिश्र टेनी के व्यवहार से नाराज है भाजपा का आलाकमान। जी हां, भाजपा आलाकमान टेनी के बर्ताव से नाराज बताया जा रहा है। पार्टी संगठन ने फोन करके उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आगे से टेनी को संभल कर बोलने को कहा गया है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास। भाजपा आलाकमान टेनी के बर्ताव से नाराज है, संभल कर बोलने के लिए उनसे कहा गया है, ये अपडेट हमारे पास। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता। अविनाश, भाजपा आलाकमान की ओर से किसने बात की है, क्या बात कही है अजय मिश्र टेनी से? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल ये वीडियो निकलकर सामने आया, उसके बाद बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के पास ये वीडियो पहुंचा जिसे तमाम नेताओं ने देखा और उनके इस व्यवहार पे नाराजगी जताई है। जो आपको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि संगठन महासचिव बी एल संतोष ने फोन करके बाकायदा कहा है कि आप अपने व्यवहार में इस तरीके से जो है गर्मी न लाएं, व्यवहार को उचित रखें और पत्रकारों के साथ अभद्रता न होने पाए इसका आगे से ख्याल रखा जाए। ये फिलहाल उनको हिदायत दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो जानकारी मिल पा रही है। और चूंकि अगर बात करें, अभी भी वो अपने गृह मंत्रालय में मौजूद है और मंत्रालय के कामकाज देख रहे हैं, जो उनका कामकाज है उसके तमाम सारे काम वो देख रहे हैं और फिलहाल वो यहीं पे मौजूद है। चूंकि आज उनको डिब्रूगढ़ भी जाना था, लेकिन जिस तरीके से कल ये भद्रता वाली व्यवहार हुई उसके बाद फिलहाल उनका ये दौरा टल गया है। अब 18 को वो डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, जहां पे जाके वहां पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अविनाश। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने उनसे कहा है कि इस प्रकार का व्यवहार आप न करें और पत्रकारों के साथ उचित बर्ताव किया जाए, लेकिन विपक्ष तो इस्तीफे की मांग कर रहा है। अविनाश, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। कल अगर बात करें तो खुद केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मामला चल रहा है, मामला सब जुडिस है और इसमें अजय मिश्रा का कोई हाथ नहीं, क्योंकि उनके पुत्र का नाम है, उनके पुत्र के खिलाफ आरोप है, तो मामला चल रहा है, मामले की जाँच हो रही है। तो इसमें बीजेपी यही कहते हुए फिलहाल नजर आ रही है। बाकी अगर बात करें तो उनका इस्तीफा फिलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है, आलाकमान की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं है।